हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है छात्र प्रतिभा खिलवाड़, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करती हूँ आप मेरे सारे वीडियो को, लेक्चर को देख रहे होंगे, उसमें आपको बहुत कुछ जो है आपको रिवीजन करने में समझ आ रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो आज स्टार्ट करने वाले हम 5 अंक वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी कि यूनिट फर्स्ट से ही 5 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई मैं देर नहीं करूंगी, फटाफट अपने टॉपिक की ऊपर चलने वाली हूँ। तो छत्तीसगढ़ यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड का जो एग्जाम्स है, तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट तैयार हो जाओ मेरे साथ 5 अंक के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे हम यूनिट फर्स्ट से 5 अंक वाले प्रश्न। तो 4 यूनिट जो कि जनन चैप्टर से ही रहेगा, और श्योर हूं मैं यहां से क्वेश्चन 5 अंक के आने वाले हैं और आप भी पेपर में लिखने वाले हो मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले प्रश्न की ओर जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? तो पहला प्रश्न क्या है, बहुत इजी है, सिर्फ डायग्राम का खेल है। क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी में क्या बताया था, सिर्फ डायग्राम आपको फोकस करना है, डायग्राम फ्लो चार्ट फोकस करना है, लिखना पॉइंट वाइज है, और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ 3 चीजों की मैं काम करने वाली, 3 यहाँ पर जो मैंने जो बताया अपने स्ट्रेटजी में, जिसके मैं अब यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। पहला जो है आपका क्या, फ्लो चार्ट है, एक डायग्राम है, और एक आप जो बनाने वाले हैं, जो लिखेंगे उसको पॉइंट वाइज। तो लिखने का काम आपका है, एक्सप्लेन करने का काम मेरा है। तो रिवीजन आप देखते जाइए कि आप कितना अभी तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई आप मेरे को कमेंट में भी आंसर देते जाओगे, बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी और आप उसका आंसर लिख के बताते जाओगे, और जहां नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही, तो आपकी मैं मदद करने वाली हूं। तो चलिए भाई, बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न क्या लिखा है, स्त्री जनन तंत्र। तो स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। प्रश्न क्या कहा है, नामांकित आरेख बनाइए कह दिया, और नामांकित आरेख बनाने के बाद उसके कार्यों को लिखना है। लेकिन क्या मैं इस क्वेश्चन को इस कार्य ना लिख करके ये बना सकती हूं क्या कि भाई स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर उसको समझाइए, क्या ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 3 के कार्य आप ऑटोमेटिक लिख डालोगे। ठीक है, तो चलिए भाई हमारा आंसर हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो हो सकता है ये 23 में भी इसके चांसेस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसका आंसर, जो कि है क्या, मादा जनन तंत्र। पहला भाग क्या लिखा है, मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग होते हैं। तो इसका आप एक डायग्राम देखिए, एक डायग्राम क्या है, ये है। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो ये कुछ इसी तरीके से हमको क्या होगा, दिखाई देता है। तो मादा जनन अंग में देखिए आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही, भाई विजुअलाइज करोगे, कुछ चीजें होता है ना कि हम ओरिजिनल चीजों की अगर हम फोकस करें, 3D इमेज देखें, तो हमको जल्दी याद हो जाता है। हालांकि नाम आपको लिखने ही पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज करिए कैसा दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या, आपने पढ़ा हुआ है क्या कि अंडाशय के बारे में पढ़ा है क्या, आप बताइए मुझे कि आपने अंडाशय के बारे में पढ़ा है क्या, कमेंट करें, अंडाशय के बारे में पढ़ा है। तो अंडाशय क्या कार्य करता है भाई, क्या कार्य करता है आप खुद ही बताओगे, अंडाशय क्या काम करता है, अंडाणु का निर्माण करता है, प्राथमिक अंग है ना, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है, अंडाशय ही है। ठीक है, तो आप सुनो, पहले तो हमने कह दिया कि भाई ये डायग्राम विजुअलाइज कर दीजिए, चलो ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, जब स्त्री जनन तंत्र हम पढ़ते हैं तो स्त्री जनन तंत्र में मेन उसका काम क्या हो रहा है, मतलब जब हम जनन अंग पढ़ते हैं, चाहे हम फीमेल का पढ़ें चाहे हम मेल का पढ़ें, दोनों में मुख्य काम क्या होने वाला है बच्चों, दोनों ही मुख्य है, मतलब दोनों ही अगर ऑर्गन की बात करें, सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें, तो दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, युग्मक का निर्माण। अगर मैं मेल की बात करूं, नर की बात करें, तो नर युग्मक बनेगा, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो क्या बनेगा, ओवम बनने वाला है। ठीक है, ध्यान देना मैं जो बोलने वाली हूं।
तो आपका स्त्री जनन तंत्र में क्या होगा, आपका मादा गैमेट बनेगा, मतलब मादा युग्मक का निर्माण होगा। और मादा युग्मक का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने वाली हूँ, ठीक है, फिर आप लोग समझ जाओगे कि मैं जो बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम अभी क्या बोल रहे थे, स्त्री जनन तंत्र की बात किए, ठीक है, स्त्री जनन तंत्र की हमने बात की। तो स्त्री जनन तंत्र में सबसे मेन काम क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, इसमें क्या हो रहा है, मुख्य कार्य जो क्या है, तो मेन ही काम क्या होता है बच्चों, स्त्री जनन तंत्र में स्त्री में ओवम का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। मादा युग्मक कौन है बच्चों, हमने पहले ही बताया था, अंडाणु, यानी कि ओवम जो होता है मादा युग्मक होता है। स्त्री जनन तंत्र में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, और फीमेल गैमेट से ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, मादा युग्मक है क्या चीज, यही तो है ओवम, यानी कि फीमेल जो गैमेट है वही है आपका ओवम, ठीक है। चलिए, इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई। तो वैसे ही अगर हम मेल में पढ़ते हैं, हालांकि आगे मैं बताऊंगी मेल का, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, देखिए यहां पर लिख देती हूं मैं, नर जनन तंत्र, दोनों को ही साथ साथ लेकर चल रही हूं, ध्यान दीजिएगा। जब नर जनन तंत्र पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होता है, और उस नर युग्मक को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं शुक्राणु कहते हैं, अर्थात स्पर्म कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब स्त्री जनन तंत्र हम पढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं, तो यहां पर मैंने पहला क्या किसकी बात की थी, डायग्राम की बात की थी, तो आपको एक बनाना है डायग्राम, ठीक है। दूसरा क्या चीज, फ्लो चार्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमने लिख दिया स्त्री जनन तंत्र के बारे में क्या काम है। अब आते हैं इसके डायग्राम की हम बात करें, तो डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा एक डायग्राम है। तो डायग्राम में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले एक आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट के बाद एक डायग्राम बना देना। चाहो तो आप पहले डायग्राम बना सकते हो, उसके बाद फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा दोनों चीज। तो पहले हम यहाँ पर फ्लो चार्ट की बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला भाग क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप लिखोगे क्या, मादा जनन तंत्र में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जो आता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, या हम उसको प्राथमिक प्रजननांग भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, तो प्राथमिक प्रजनन अंग में कौन आता है, तो इसमें आता है अंडाशय। अब हम बात करते हैं क्या, मादा जनन अंग का दूसरा भाग क्या है, द्वितीयक प्रजनन। अच्छा, इसको प्राथमिक और द्वितीयक क्यों कहे, ये भी ध्यान देना। हमने क्या कहा, मादा जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना, दो भागों से। पहला हम बोल दिए प्राथमिक प्रजनन अंग होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक प्रजनन अंग होता है। बेटा ये भी ठीक है, हमको पता है प्राथमिक और द्वितीयक होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना 12वीं में, साल भर तो वही किया है। तो आप याद रखेंगे, प्राथमिक प्रजनन अंग में आपको लिखना है अंडाशय। क्यों भाई, अंडाशय क्यों प्राथमिक है, पहली बात तो ये, अंडाशय इसलिए बेटा क्योंकि अंडाशय में ही मादा युग्मक जो है, जिसको हम अंडाणु कहते हैं, उनका निर्माण होता है अंडाशय में, ध्यान रहे, इसी की हम अभी बात कर रहे थे पिछले उसमें, ठीक है, स्लाइड में। तो यहाँ पर प्राथमिक प्रजनन अंग क्या है, अंडाशय है। अंडाशय से किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक, पहला बोल देते हैं भाई, प्रथम स्थान में जो है, जो मेन काम करेगा, हम उसको प्रथम कर दिए, तो ये हमने प्रथम में कर दिया। अब सेकेंड की हम बात करें, तो सेकेंड क्या है, आपका द्वितीयक प्रजनन अंग होता है। तो द्वितीयक प्रजनन अंग में क्या होता है भाई, पहला आप क्या लिखेंगे, अंडवाहिनी, क्योंकि मेन काम इसका देन इसका ही है, अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी, और कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। फिर आता है मेन भाग क्या है, गर्भाशय, यानी कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, और लास्ट है आपका योनि, योनि अंग, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी हो गया, देन आप
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखोगे तो एग्जाम्पल में आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब है ना, गर्भाशय यानी कि यूट्रस है, और थर्ड क्या है आपका, वेजाइना है, ठीक है। यहाँ पर सर्विक्स भी होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमने उसकी बात तो कर दी, ठीक। अब यहाँ पर ये डायग्राम को देखते जाइए, ये क्या है भाई। तो डायग्राम आपको बनाना कैसे है ये देखिए, ठीक है। ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है, तो समय इसमें नहीं लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा ऐसा बना के आपको बता देती हूँ। हालांकि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं क्या भाई, ये हमने बना दिया क्या, 5 अंक का है, तो आपको डायग्राम को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, मादा प्रजनन अंग, और मेरे साथ आप लोग भी बनाते जाओगे, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, मादा प्रजनन अंग को बना दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ऐसा बना देते हैं इसको, आगे चल करके ये 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 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आगे बनाओगे फेलोपियन ट्यूब को, ये हो गया। देन फिर आता है आपका क्या, ओवरी के बारे में। चलो हमने ओवरी भी बना दिया, इसमें भी हमने ओवरी बना दिया, ठीक है। और ओवरी जुड़ा होता है किससे, लिगामेंट से जुड़ा होता है, तो हम यहाँ पर पूरा लिगामेंट ऐसा बना देते हैं ऐसा, ठीक है। लिगामेंट से जुड़ा होता है ना ये, ठीक। तो हम क्या बना देते हैं इसको, लिगामेंट, ठीक। ये हो गया आपका क्या, लिगामेंट, लिगामेंट से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे आप ये बताओ, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया क्या है, ये क्या है, मादा प्रजनन अंग है, और मादा प्रजनन अंग में, मादा प्रजनन अंग में मुख्य नाम क्या था भाई, मुख्य भाग कौन सा था, यहाँ पर अंडाशय, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम है, देखो बनाना आपको ही है, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें, आप मुझे अब बताते जाइए नाम को। पहला नाम क्या बोला मैंने, पहला नाम क्या कहा है हमने, ध्यान देना, पहला नाम जो था वो था अंडाशय का। चलो भाई हमने बना दिया किसके बारे में, अंडाशय, ये मैंने लिख दिया क्या, अंडाशय, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी है ये, ठीक है। अंडाशय के बाद क्या आया आपका, अंडवाहिनी, पहला अंग हो गया अंडाशय, जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। देन अब आते हैं हम किस पर, देन अब आते हैं हमारा ये क्या है, पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। हम लिख देते हैं भाई क्या, अंडवाहिनी कह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी के बाद आपका मेन मुख्य भाग जो बीच का है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय हो गया, ठीक। आप देखिए ये पूरा लिगामेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो लिगामेंट यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने बनाया और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, लिगा मेंट लिख दिया, ठीक है। अब बताओ क्या चीज छूट गया, अब ध्यान देते जाना, ये हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, नीचे वाले पार्ट को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीवा, ठीक है, यानी कि ये आपका पार्ट क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ग्रीवा, ठीक, ग्री वाह। देन लास्ट में जो आता है आपका, जिसको हम कहते हैं योनि यानी कि वेजाइना, ये ग्रीवा यानी कि सर्विक्स होता है, ठीक है। जस्ट नीचे में जो आता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं वेजाइना, ठीक है। ये मैंने जोड़ना, एक साथ बनाओ तो ही बनता है, फिर ये नीचे का भाग क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह देते हैं क्या, वेजाइना कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ग्रीवा के बाद क्या हो गया आपका, योनि हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं योनी, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, योनी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मिटा के लिखती हूँ, ये मुझे मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, और ये हो गया आपका क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, योनी कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
योनि हो गया। ठीक है, तो ये है आपका गर्भाशय का चित्र भी हो गया और ये बन गया आपका मादा प्रजनन तंत्र। अब मादा प्रजनन तंत्र में पहला क्या था आपका अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है बेटा, इसमें निर्माण होता है अंडाणु का निर्माण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए पहला अंग की बात करें अंडाशय, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तीन नंबर का आता है कभी कभी, कभी कभी सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है तीन नंबर में ही, अंडाशय का चित्र बनाइए। ठीक है, या तो हम पूछ देगा अंडाशय के बारे में लिखिए, इस पांच नंबर का नहीं बनेगा, वो तीन ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी अंडाशय के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहला अंग जो मुख्य अंग है अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है निर्माण होता है, ये पहला काम हो गया। अब इसी को देखिए, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो गया। अब अंडाशय में अंडाणु निर्माण होने के बाद दूसरा अंग क्या था आपका अंडवाहिनी। ठीक है, तो एक एक के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगी क्योंकि यहां से तीन चार क्वेश्चन और बनाने वाली हूं मैं, इसी में तीन चार क्वेश्चन और कैसे बनेगा, दो नंबर का भी हो सकता है, वो तीन नंबर का भी आ सकता है, तो कैसे प्रश्न देखते जाएंगे। पहला हम क्या बात किए अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय को ध्यान देना है आपको कि अंडाशय कहां पर है। ठीक है, ये आपका अंडाशय अंडाणु का निर्माण होता है। अब अंडाशय का स्पष्ट डायग्राम देखते जाइए किस तरीके से दिखाई देता है, ये है आपका अंडाशय का चित्र है। ठीक है, तो अंडाशय के चित्र में आपको क्या देखना है, अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये अंडाशय जो होता है बाहर से दोहरी झिल्ली से ये घिरा होता है और इस झिल्ली को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान देना मैं जो बोलने वाली हूं, ये है आपका क्या, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम से ये क्या होता है घिरा रहता है, अंडाशय चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर में ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक और लेयर होता है, बस लेयर ही होता है, जिस याद रखेंगे। ठीक है, अब याद रखेंगे जो अंडाशय होता है इसके अंदर में दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, बाहर का भाग जो होता है, देखिए दो भाग कौन सा बोल रही हूं, अभी बोल रही हूं कि सिर्फ एक ही दिख रहा है, दो कहां है, तो ये अंदर का भाग जो होता है इसको हम कहते हैं मेडुला कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मेडुला कहते हैं। मैं साइड में लिख देती हूं, बीच का जो भाग होता है मध्य का, इसको हम क्या बोलते हैं मेडुला कहते हैं, जबकि बाहर का भाग क्या कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए अंडाशय कितने स्तर में है, दो स्तरों से घिरा हुआ होता है, बाहर का स्तर जर्मिनल एपिथेलियम, अंदर का ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है, और अंडाशय टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अंदर का भाग क्या कहलाता है मेडुला और बाहर का भाग क्या कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसके अंदर यानी कि मेडुला वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर में क्या होता है ब्लड वेसल्स, तंत्रिका उत्तक है ना, तंत्रिका टिश्यू यहां पर भरा होगा, ब्लड वेसल्स भरा होगा, इलास्टिन रेसे भरे होंगे, फाइबर्स होगा, ये सारे इसके अंदर होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंडाशय से अंडाणु कैसे निर्माण हुआ, तो ध्यान रखिए ये जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है यही आकर विभाजित होती है और बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण करती है। ये सारे के सारे क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण करती है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल में से एक मैच्योर हो जाएगा और क्या बना लेगा प्राथमिक पुटक बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं प्राथमिक पुटक का निर्माण कर लेता है। प्राथमिक पुटक के अंदर ही पहला मतलब प्राथमिक ओसाइट होता है, याद रखेंगे इसी के अंदर क्या रहेगा प्राथमिक ओसाइट रहता है, मतलब पहला अंडक होता है, प्राथमिक अंडक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्या है प्राथमिक अंडक, यहां बगल में लिख दूं क्या प्राथमिक अंडक पाया जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक अंडक हो गया, आगे चल के ये थोड़ा सा मैच्योर आगे और बड़ा होगा तब हम इसको क्या बोलते हैं द्वितीयक अंडक कहते हैं, जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ऐसा ये बनाते जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक हो गया फिर बना लेगा क्या द्वितीयक, द्वितीयक पुटक बना लेता है, प्राथमिक पुटक आगे चल के फिर मैच्योर होगा और क्या बनाएगा द्वितीयक पुटक का निर्माण करता है, फिर किसका निर्माण करेगा तृतीयक पुटक। ठीक है, मतलब तीसरा फॉलिकल तृतीयक फॉलिकल का निर्माण करता है, तृतीयक पुटक, पुटक मतलब फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देता है, फिर आगे चल के तृतीयक पुटक किसका निर्माण करता है मैच्योर ग्राफियन। ठीक है, ग्रा
ग्राफियन फॉलिकल यानी कि पुटक का निर्माण कर देता है। ग्राफियन पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ये जो अभी तक प्राथमिक अंडक था वो आगे चल के किसका निर्माण करेगा, द्वितीयक अंडक का निर्माण कर देता है। द्वितीयक अंडक रिवाइज कर रहे हो और रिवाइज करते जाओ भाई, आप पढ़े हुए हो सब कुछ, सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है, रिवाइज करते जाओगे आप, ठीक है। तो पहला क्या था, प्राथमिक अंडक, दूसरा कब बना, द्वितीयक अंडक, जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर था, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में ही अब मैच्योर द्वितीयक अंडक बन गया और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद यहां पर से क्या हो जाएगा, ये आपके अंडाशय की दीवार से चिपक जाएगा और यहां पर से फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका। अब जब फट जाएगा ग्राफियन फॉलिकल तो अंडाणु जो बना हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंडाणु देखो, अंडाणु ये था अभी तक, है ना। अब अंडाणु द्वितीयक अंडक मतलब अंडाणु, वो मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, अंडाणु जो है अंडाशय की दीवार से चिपक गया, मतलब ग्राफियन जो फॉलिकल बना हुआ है वो अंडाशय की दीवार से चिपक जाता है और अंडाणु बाहर निकल जाता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, अंडाणु। और यही मुझे बनाना था, जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है उसी समय क्या होता है, यहाँ पर हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। तो कैसे होगा, कब होगा, देखते जाइए। अंडाणु बना, ये आगे चल के जो आपका ग्राफियन पुटक होता है भाई, यहां से मतलब एक घाव बन जाएगा ना, अंडाणु बाहर निकल गया, अब ये क्या बनाया, घाव बना लेगा, तो एक संरचना का निर्माण कर लेता है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं, ठीक है, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। आगे चल के कॉर्पस हीमोरेजिकम से क्या बनाएगा, कॉर्पस आपका क्या बना देगा, ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में ही किसका निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से ही सिक्रेट होता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के बाद लास्ट जो बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के ये नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप अंडाशय का डायग्राम पूछा जाएगा, सिर्फ अगर डायग्राम पूछा है तो आप डायग्राम बना के खत्म करोगे, लेकिन 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 ध्यान रहे कि अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ गया तो इतनी चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा, इतनी चीजों के बारे में आपको लिखना ही पढ़ने वाला है, ठीक है। तो अंडाशय से अंडाणु का हमने निर्माण कर दिया, ये मुख्य भाग था। यहां से आपका जो तीन नंबर का यानी कि तीन अंक का जब प्रश्न आएगा कि चित्र बनाइए अंडाशय का, या तो बोल देगा अंडाशय के बारे में लिखिए, चित्र बनाकर लिखिए, तो इससे ज्यादा नंबर के आपको नहीं आएंगे। पांच नंबर का नहीं बनता ये क्वेश्चन, तीन नंबर के अलावा ज्यादा नंबर के नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अंडाशय के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अंडाशय का कार्य अंडाणु का निर्माण है। तो अब आते हैं हम किसके बारे में, हमने इसके बारे में बात कर ली फ्लोचार्ट में, अंडाशय खत्म, देन आते हैं अंडवाहिनी। पर हमने तो अंडाशय से अंडाणु बना लिया, तो अंडाणु बनने के बाद अब कहां जाएगा, तो अब आते हैं हम अंडवाहिनी के पास में, ठीक है। अंडवाहिनी के पास आते हैं और अंडवाहिनी देखिए, ये रहा हमारा अंडवाहिनी, ठीक है। अब यहां से अंडाशय बना, तो अंडाशय में जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी ये पूरा भाग है, ठीक है। अंडवाहिनी के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, तो अंडवाहिनी सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं, इतने की, ठीक है, इतने की अगर मैं बात करूं तो पहला भाग जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्ब्री कहते हैं, क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग क्या हो गया फिम्ब्री के बाद, इन्फंडिबुलम, ठीक है, इन्फंडिबुलम, ये फिम्ब्री हो गया। देन आपका यहां पर मैं कहां पर लिखूं, समझ जाए, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, इधर लिखती हूँ। ये पहला भाग क्या हो गया, फिम्ब्री, दूसरा भाग क्या हो गया, इन्फंडिबुलम कहलाता है। देन अब आते हैं क्या, ये भाग क्या कहलाता है आपका, एम्पुला
कहलाता है। लास्ट जो भाग है जिसको हम कहते हैं क्या, इस्थमस कहते हैं, ठीक है, इस्थमस, एम्पुला इनफंडिबुलम, एम्पुला इस्थमस कहलाता है। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा, अंडाशय से अंडाणु बना, तो अंडवाहिनी के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, चार भाग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो फिम्ब्री लास्ट पार्ट है तो हम इसको नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये इसको सिर्फ और सिर्फ पकड़ने का कार्य करता है, ठीक है। फिम्ब्री का काम है क्या, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। इतना आपको लिखना पड़ने वाला है, मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिम्ब्री का कार्य क्या है, अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय की ओर पहुंचाने का, ठीक है। यहां तक आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम कहां, अंडवाहिनी में सेकेंड पार्ट किसकी बात की, अनफंडिबुलम। ज्यादा इसका कोई काम नहीं रहता, बस आगे ये मतलब आगे ऊपर की ओर अंडाणु को पहुंचा देता है, ठीक। अब एक चीज और याद रखना, ये जो आपका ये अंडवाहिनी होता है सीलिएटेड होता है। क्यों सीलिएटेड है भाई, क्योंकि अंडाणु क्या होता है, अचल होता है। अचल होता है तो अंडाणु को ऊपर पहुंचना है ना, क्योंकि अंडाणु तो गति नहीं कर सकता। तो ये अंडवाहिनी जो होता है सीलिएटेड होता है, सीलिएटेड मींस रोम युक्त होता है, और इसी रोम युक्त के कारण ये मतलब ऊपर नीचे हो करके ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, सीलिएटेड होता है, ऐसा बना देते हैं ताकि आपको समझ आते रहे। आगे चलते हैं, फिर आता है इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, देन उसके बाद आता है इस्थमस। अब याद रखना, एम्पुला इस्थमस के बीच में ही निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। जब अंडाणु जो है एम्पुला इस्थमस के बीच में आता है, वहीं पर ही मतलब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यहां लिख दूं क्या, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है, जंक्शन कहते हैं। और इसी पर ही क्या होता है, जब शुक्राणु आता है तैर कर, ठीक है, जब शुक्राणु यहां से तैर कर आता है या नीचे से ऐसे तैर कर जब आएगा ऊपर की ओर, तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, ठीक है। यानी कि एम्पुलर इस्थमस जंक्शन के बीच ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे 2 मार्क्स का, ठीक है, यानी 2 अंक के प्रश्न जो है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हुई, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में कहाँ, एम्पुलर इस्थमस जंक्शन के पास ही निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। इस चीज को बताओगे, 2 अंक आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो 2 अंक का प्रश्न है, तो 2 अंक आपको यहां पर से मिल जाना है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आगे, ये है, अभी तक हमने अंडाशय की बात की, अंडवाहिनी की बात कर ली, अब आते हैं तीसरा पॉइंट आपका गर्भाशय। गर्भाशय की संख्या क्या है, 1 है, अंडाशय 2 है, अंडवाहिनी 2 है, गर्भाशय 1 है। तो गर्भाशय का अगर ध्यान से देखोगे तो गर्भाशय के ही अंदर भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, यहीं पर उसको पोषण मिलेगा, आगे ग्रो करेगा। तो ये भ्रूण जो होता है आपके अंडाशय पर ही विकसित हो जाता है। चलिए अब गर्भाशय का देखते हैं, चलिए गर्भाशय को मैं अलग से बनाती हूँ, नहीं तो इसमें हच पच हो जाने वाला है, ठीक है। तो गर्भाशय का हम यहाँ पर डायग्राम एक बना देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो ये मैंने बना दिया क्या, ऐसे छोटा सा बना देती हूँ आपको ऐसे समझाने के लिए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, गर्भाशय, ये हो गया आपका गर्भाशय। तो गर्भाशय के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला जो स्तर है जिसको हम क्या कहते हैं, बाहर स्तर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच का जो स्तर होता है इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। ये अंदर का पहले हम बना लेते हैं, ये हो गया अंदर का, ये हो गया आपका अंदर का, और ये हो गया अंदर का। तो देखो 3 स्तर, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, बाहर का पेरीमेट्रियम, बीच का जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। देखिए मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहते हैं। लास्ट जो भाग होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ध्यान दो, देखो 3 भाग तो हो गया गर्भाशय का, बाहर का पेरीमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम, अंदर का एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम पार्ट पर जब यहां पर जब जायगोट जो होता है, यानी कि जायगोट मतलब 2N जो होता है, 2
एन जो होता है जब ये जायगोट यानी कि युग्मनज जो होता है युग्मनज, ठीक है, यानी कि एन एन आपस में मिले यानी कि मादा युग्मक और स्पर्म दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ पर से तैरते हुए जब शुक्राणु जाएगा, यहाँ से ओवम रहेगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो ये युग्मनज बनाएगा यानी कि जायगोट बनाएगा, और इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी, तो 2, 4, 6, 8, 16, 32 करके ये क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा। ये युग्मनज जो होता है ये कोशिका का विभाजन करता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 152 ऐसा करके ये कोशिका का विभाजन करते जाएगा, और लास्ट में एंडोमेट्रियम पार्ट से ये आकर के क्या हो जाता है, जोड़ जाता है, और यहीं पर ही जो भ्रूण होता है, ठीक है, ऐसा मैं बना देती हूँ भ्रूण, ठीक है, भ्रूण का विकास जो है यही एंडोमेट्रियम पार्ट से ही, एंडोमेट्रियम पार्ट से ही क्या होता है, उसको पोषण प्रदान होता है, प्लेसेंटा सुने होंगे ना, जो कि भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके गर्भाशय का चित्र, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं हम बात करते हैं योनि का, तो वेजाइना योनि का ज्यादा कुछ वर्क नहीं होता, बस क्या करता है ये सेक्स में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब उस जगह को चिकना बना देता है, ठीक है। तो ये कार्य किसका है, योनि का, ठीक है, इसके आगे इसका कार्य ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये था आपका स्त्री प्रजनन तंत्र का, इसके आगे का जो है नर प्रजनन तंत्र, अगर मैं इसी में ही बनाने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाली हूं, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।